अगस्त 10, 1897 में एक ऐसा पेन किलर डिस्कवर हुआ था जो कि आज यानी कि 2018 में भी सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पेन किलर है। और उसी पेन किलर को थोड़ा और अच्छा बनाने के चक्कर में एक बहुत ही डेंजरस और बहुत ही हार्मफुल ड्रग का डिस्कवरी हुआ, और वो ड्रग है हेरोइन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हेरोइन के डिस्कवरी के पीछे का इंटरेस्टिंग कहानी, और वो किसने डिस्कवर किया था, और हर साल हेरोइन की वजह से क्या क्या होता है। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो देखते रहिए ये वीडियो हमारे साथ आगे। तो ये कहानी शुरू होती है 21 जनवरी 1868 से। तो 21 जनवरी 1868 में जर्मन केमिस्ट फिलिक्स हॉफमैन का जन्म हुआ, और उनके जो पिता थे यानी कि फिलिक्स हॉफमैन के जो पापा थे वो एक मैन्युफैक्चरर थे जर्मनी में, और उसी की वजह से फिलिक्स हॉफमैन के अंदर केमिकल प्रोसेसेस और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर इंटरेस्ट जनरेट हुआ। तो अभी 1889 में उन्होंने अपनी केमिस्ट्री की स्टडी करना शुरू कर दिया यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक से, और 1891 में उनको अपनी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिल गई, और कम से कम 2 साल के अंदर ही उन्होंने अपनी PhD भी कम्प्लीट कर ली, यानी कि 1893 को उनको अपनी PhD मिल गई। ये जो उनका उत्साह था यानी कि फिलिक्स हॉफमैन के अंदर केमिकल्स को लेकर जो उत्साह और जो नॉलेज था उसको एडोल्फ वॉन बेयर ने बहुत जल्दी पहचान लिया। एडोल्फ वॉन बेयर वही साइंटिस्ट है जिनको आगे जाकर नोबेल प्राइज मिला था 1905 में कलर डाइज के ऊपर रिसर्च करने के लिए। तो एडोल्फ वॉन बेयर ने फिलिक्स हॉफमैन को ये सजेस्ट किया कि वो बेयर कंपनी ज्वाइन कर ले एज अ फार्माक्यूटिकल रिसर्चर। अभी फार्माक्यूटिकल रिसर्चर क्या होता है? फार्माक्यूटिकल रिसर्चर वो होता है जो अलग अलग तरह की दवाइयों के ऊपर रिसर्च करता है और नई नई दवाइयों को ढूंढ निकालता है। तो एडोल्फ वॉन बेयर के सजेशन के ऊपर जरा सा सोचने के बाद 1894 में फिलिक्स हॉफमैन ने बेयर कंपनी ज्वाइन कर ली एज अ फार्माक्यूटिकल रिसर्चर। तो अभी यहाँ पर एक बात आती है जो कि एक नॉर्मल रिसर्चर और एक लेजेंड को अलग करती है, और वो बात ये है कि फिलिक्स हॉफमैन एक ऐसे किस्म के रिसर्चर थे जो कुछ नया बनाना चाहते थे। वो कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जिससे एक रिवोल्यूशन आए। फिलिक्स हॉफमैन वो नहीं करना चाहते थे जो कि सब रिसर्चर्स करते हैं, यानी कि पुराने मेडिसन्स को मॉडिफाई करके नए मेडिसन्स बनाना, बल्कि वो अपना एक नया मेडिसन बनाना चाहते थे। तो अभी हुआ क्या कि फिलिक्स हॉफमैन के जो पिता थे यानी कि उनके जो पापा थे वो एक अर्थराइटिस पेशेंट थे। अभी अर्थराइटिस क्या होता है? अर्थराइटिस वो बीमारी है जिसमें पेशेंट के जॉइंट्स यानी कि एल्बोज, शोल्डर्स, नीज, उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है और स्टिफनेस आ जाती है, यानी कि वो अपने जॉइंट्स को हिला भी नहीं सकते। तो फिलिक्स हॉफमैन के जो पिता थे वो एक अर्थराइटिस पेशेंट थे, और उसी के कारण वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते थे और उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता था। तो उस टाइम के जो पेन किलर्स थे यानी कि उस टाइम पे जो पेन किलर्स थे वो इतने बराबर नहीं थे, यानी कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। वो पेशेंट को और भी बुरा फील कराते थे और उसके अलग साइड इफेक्ट्स भी होते थे। तो यहीं पर पूरी स्टोरी टर्न लेती है। अभी फिलिक्स हॉफमैन एक नया पेन किलर बनाने की रिसर्च में लग जाते हैं, और उनकी जो रिसर्च है वो उनको एक केमिकल के ऊपर लाके पहुंचाती है, और वो केमिकल है सैलिसिलिक एसिड। तो ये जो सैलिसिलिक एसिड है वो विलो ट्री की बार्क में मिलता है। अभी बार्क क्या होता है? बार्क ट्री का सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है। पर सैलिसिलिक एसिड की डिस्कवरी 1830 में ही हो चुकी थी, और 1859 में रिसर्चर्स को सक्सेस मिल गई थी उसको केमिकल फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करने की। पर 1859 में सैलिसिलिक एसिड से पेन किलर्स बने, और वो जो पेन किलर्स थे वो ऐसे थे जो खाने से पेट में दर्द होता था और उसके साइड इफेक्ट्स भी होते थे। तो अभी हॉफमैन ने एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला जो कि लोगों के लिए सेफ हो। तो उन्होंने किया क्या कि उन्होंने सैलिसिलिक एसिड में एसिटिक एसिड मिक्स कर दिया। एसिटिक एसिड तो आपको पता ही होगा, विनेगर। हाँ दोस्तों, हम लोग खाने में जो विनेगर डालते हैं उसमें 5% एसिटिक एसिड होता है और बाकी सब पानी होता है। तो एसिटिक एसिड मिलाने के बाद उन्होंने सैलिसिलिक एसिड का एक बहुत ही प्योर और बहुत ही स्टेबल फॉर्म ढूंढ लिया अगस्त 10, 1897 में। तो अभी इससे पेन किलर्स बने, और फिर उसकी ह्यूमन टेस्टिंग शुरू हो गई। तो इसकी ह्यूमन टेस्टिंग की थी हेनरिश ड्रेसर ने। हेनरिश ड्रेसर बेयर्स फार्माक्यूटिकल लेबोरेटरी के हेड थे, और वो जो पेन किलर बना वो पूरी तरीके से परफेक्ट था, और उसके ना कोई साइड इफेक्ट्स थे और ना ही उससे पेट दर्द होता था, बल्कि वो पेन को बहुत हद तक कम भी कर देता था। तो एसिटिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड को साथ में मिक्स करने के बाद एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बना, और वो जो पेन किलर था उसको नाम दिया गया एस्पिरिन। ये जो था वो था एसिटिक एसिड के लिए, और स्पिरिन जो था वो था स्पीरिया के लिए। अभी स्पीरिया क्या है? स्पीरिया एक श्रब है जिसमें सैलिसिलिक एसिड मिलता है। तो अभी फिलिक्स हॉफमैन ने एस्पिरिन का जर्मन पेटेंट हासिल करने की कोशिश की, पर वो रिजेक्ट हो गया क्योंकि सैलिसिलिक एसिड की डिस्कवरी पहले ही
हो चुकी थी। तो अभी हुआ क्या कि एस्पिरिन की सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई और पूरी दुनिया में एस्पिरिन पॉपुलर हो गया और बेयर कंपनी घर घर में एक कॉमन नाम हो गया। तो अभी यहाँ से शुरू होता है कि हेरोइन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो बेयर्स फार्माक्यूटिकल लेबोरेटरी के जो हेड थे हेनरी ड्रेसर, उन्होंने कोडिन के पेनकिलिंग प्रॉपर्टीज के ऊपर रिसर्च की थी। कोडिन एक ड्रग है जो कि ओपियम से बनता है और हिंदी में ओपियम को हम लोग अफीम भी बोलते हैं। कोडिन मॉर्फिन का वीकर पार्ट है। अभी मॉर्फिन क्या है? मॉर्फिन भी एक ड्रग है जो कि ओपियम से बनता है और वो भी एक पेन किलर है। तो हेनरी ड्रेसर ने फिलिक्स ऑफमैन को वो सेम प्रोसेस करने के लिए कहा मॉर्फिन के साथ जो उन्होंने सैलिसिलिक एसिड के साथ किया था। ड्रेसर को ऐसा लगा कि अगर वो मॉर्फिन के साथ एसिटिक एसिड मिक्स कर देंगे तो उन्हें कोडिन मिलेगा, पर वैसा नहीं हुआ, बल्कि वहाँ पर एक बहुत ही डेंजरस ड्रग फॉर्म हो गया और वो ड्रग है हेरोइन। पर हेरोइन के लिए भी फिलिक्स ऑफमैन को पेटेंट नहीं मिला, क्योंकि 1874 में एल्डर राइट नाम के एक रिसर्चर ने उसे डिस्कवर किया था, पर उस टाइम उस पर ज़्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया और उसे एक यूजलेस प्रोजेक्ट करके बंद कर दिया। पर अभी तक हॉफमैन और ड्रेसर को हेरोइन के डेंजर्स के बारे में पता नहीं था और उसी के कारण बेयर्स ने हेरोइन को खुलेआम कफ रिलीवर्स और पेन किलर्स फॉर सीरियस वॉर इंजरीज और एक्सेट्रा के नाम पर बेचना शुरू कर दिया। 1928 में हॉफमैन रिटायर हो गए और 8 फेब 1946 में उनका देहांत हो गया। अभी कम से कम 125 ईयर्स हो गए उनके इन्वेंशन को, पर अभी भी पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पेन किलर एस्पिरिन है। एस्पिरिन ने आज तक करोड़ों लोगों की जान बचाई है और हर साल कम से कम 1,50,00,000 एस्पिरिन की टैबलेट्स सिर्फ अमेरिका में यूज होती है। पर दूसरी तरफ हेरोइन भी उतनी ही जाने ले रही है। सिर्फ 2017 में अमेरिका के 15,900 लोग मारे गए हेरोइन के ओवरडोज की वजह से। सो दोस्तों, हेरोइन हो या और किसी किस्म के ड्रग्स हो, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। मैं आपको हेरोइन के साइड इफेक्ट्स बता देता हूँ। सांस लेने में तकलीफ, सोते रहना, मेंटल डिसऑर्डर्स और बहुत कुछ, जान भी चली जा सकती है। तो हमें इन सारे ड्रग्स से दूर रहना चाहिए। अगर आप बोलोगे कि भाई चलो एक बार ट्राई कर लेते, क्या बुराई है, एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। ये ड्रग्स सुपर एडिक्टिव होते हैं। अगर आप एक बार ये ट्राई कर लो ना, फिर आप ड्रग्स के बिना रह नहीं पाओगे। सो दोस्तों, मैंने ये वीडियो क्यों बनाया, क्योंकि आजकल के यंग जनरेशन में ड्रग्स वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और इस वीडियो के कारण आपको पूरा नॉलेज मिल चुका होगा कि ये ड्रग डिस्कवरी कैसे हुआ और खुद जिसने ये ड्रग बनाया उसने ये कभी ट्राई नहीं किया, पर हम क्यों ट्राई करें फिर। सो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए हम इतना ही कंक्लूड करना चाहेंगे। अगर आपके मन में कुछ सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसे वीडियोस में लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going.